हम तो चले परदेसी, चलो धीरे धीरे। अब लोग सोच रहे होंगे आज के ब्लॉग में मैं धीरे धीरे मैं क्यों चला रहा हूँ बाइक, तो रीज़न है ये कि कल मैं आया बरहरवा से पाकुड़, पाकुड़ में पहुँचा और पीछे का चक्का का हवा निकल गया तुरंत एकदम। हवा निकलने में देर नहीं लगा, पाकुड़ जैसे पहुँचे पूरा हवा निकल गया। बाद में देखे हैं जहाँ पुराना वाला पंचर था मेरा, जो बाहर से लट्ठा सटा हुआ था, वहीं से मेरा हवा निकल रहा था, तो हवा पूरा ख़त्म हो गया पीछे का, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं 5-10 का स्पीड में। अभी हम लोग जाएंगे सहारकोल, सहारकोल का टायर दुकान में लीक बनवाएंगे। टाइम हो रहा है 5:30, सोचा था जल्दी निकलने के लिए लेकिन लेट हो गया। अभी देखते हैं बस स्टैंड में हवा डलवाएंगे पीछे चक्का में, अगर हवा अगर थोड़ा सा भी रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा हवा में ही हम लोग पहुँच जाएंगे सहारकोल, और अगर हवा जल्दी जल्दी निकलेगा फिर चक्का से तो ऐसे ही जाएंगे धीरे धीरे सहारकोल की ओर। और इस बार हम लोग पंचर बनवाएंगे ना, तो बाहर से नहीं बनवाएंगे, अंदर से बनवाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला पंचर। पंचर? हाँ पंचर है। लट्ठा काहे नहीं डलवा लेते? लट्ठा डलवाए थे तो जहाँ लट्ठा डलवाए था ना वहीं से हवा निकल रहा है, वो तेजी से। ना ना ना, एक लिक्विड आता है। लिक्विड डलवाए थे एक बार तो उसमें क्या हो गया, गड्ढा में गाड़ी घुसा, रिम फट गया था, तो इसलिए अभी लिक्विड नहीं डलवा रहे हैं। लीजिए अभी हम लोग जाएंगे 100-200 का स्पीड में, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से निकल रही है पिछले चक्का से, और हम लोग को यही हवा में हम लोग को पहुँचना है सहारकोल का टायर दुकान, ताकि हम लोग लीक बन जाए जल्दी से फटाक से। और ये आप लोग टोपी देख रहे होंगे पूरा लहरा रही है, वेलेंटिनो रोजी वाली कैप, तो जगह नहीं था रखने के लिए तो इसीलिए मैंने वहाँ पर टांग दिया। सिर्फ टायर दुकान वाले भैया सिर्फ दुकान बंद ना कर दें, क्योंकि कल वो बहुत जल्दी बंद कर रहे थे 5 बजे में ही, तो अभी 5 बजे पार हो गई, 5:30 हो रही है, तो हम लोग आशा करते हैं हम लोग दुकान बंद होने से पहले हम लोग पहुँचे और हम लोग अपना लिक बनवा ले पीछे चक्का का, कि बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। तो इस बार हम लोग बनवाएंगे ना पूरा एकदम अच्छा तरीका से बनवाएंगे, अंदर से बनवाएंगे एकदम, चक्का खुलवा के टायर खुलवा के बनवाएंगे अंदर से, ताकि हम लोग को बार बार मतलब हम लोग को बनवाना ना पड़े लिक। लेट कर दिया क्या आने में? तो हो पाएगा कि नहीं अभी? कल जब यहाँ से गए ना उधर, और तेजी से हवा निकलने लगा, अभी हवा डलवा करके लाए हैं। कहाँ पे लगाएंगे गाड़ी? तो वैसे आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार कहाँ से लीकेज हो रही है हवा, आवाज़ भी कर रही है पूरा सीसी, देखिए इस जगह से, ये जगह लट्ठा था, यहाँ से हवा निकल रही है। पूरा तेजी से निकल रहा है हवा। अच्छा रात कितना बजे तक खुला रखते हैं दुकान? हाँ 8:30 बजे तक ना। मैं ये टूले स्टार है ना अंदर से अच्छा तरीके से बनाते हैं, बेस्ट। और सप्ताह में तो मतलब हर एक दिन खुला ही रखते हैं दुकान, सप्ताह में बंद नहीं करते हैं एक भी दिन भी? खुला मेरा कंटिन्यू रहता है। हाँ कम मतलब बंद करते हैं 8:30 रात सवेरे सवेरे 7:30 से लेकर रात का 8:30-9 इतना बजे तक खुला रहता है। तो है चूँकि हम लोग निकलते हैं और अभी आते हैं अलोक लोग के पास, हम लोग का पंचर बन गई है। और अभी मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कि डेली ब्लॉग्स करने का, तो इसलिए डेली ब्लॉग्स में अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि डेली ब्लॉग्स मैं करूँ कि नहीं करूँ। हम इस तरह जो बनाते हैं ना बाहर में हाँ। नहीं मिलेगा इतना ऐसे मतलब फैसिलिटी मतलब इतना मशीन से बनाने का सुविधा पाकुड़ में, हमको लगता है सिर्फ आप ही के पास
फैसिलिटी होगा इतना, नहीं तो उनको कोई तो बताया होगा जरूर यहाँ। हाँ हाँ किसी का भी हो हम अच्छा से मतलब ढंग से बना सकते। हाँ अच्छा, वैसे तो आएंगे हवा हवा सब लेने के लिए। पता नहीं आजकल देख रहे हैं ना, पाकुड़ का मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, 7-8 बजे तक में ही बंद हो जाती है दुकान वकान सब। इधर के अंदर कोयला पत्थर बालू इन सब सब बंद हो गया ना, इसलिए मार्केट में यहाँ पाकुड़ में सब माला माल रहता है। हाँ मैंने अरे एक समय ना पाकुड़ का रौनक ही अलग था, अभी वो ऐसे नहीं रहा। डिस्प्ले बड़ी मस्त लगा मेरे, बड़ा कभी कभी ना हैंग हो जाता है, मतलब लाइट बंद हो जाता है डिस्प्ले का। नहीं नहीं चाबी का नहीं, अपग्रेड करवाना पड़ेगा, ग्लिच हो जाता है इससे। अपग्रेड नहीं करवाए हैं, अपग्रेड करेगा वो लोग, वही प्रचार करेगा तो वही करना कि मतलब यहाँ ट्यूबलेस का है ना बहुत अच्छा से बना रहता है। अच्छा ठीक है, हम निकलते हैं। ठीक अपना पंचर बनवा करके अभी हम लोग जा रहे हैं हेलो के पास। मतलब कि एक्चुअली ना मैं सोच रहा हूँ टोटो वाले भैया किधर ध्यान कहीं और है, हैंडल कहीं और घुमा रहे हैं। तो गाइस मैं अभी एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ना डेली ब्लॉग्स करने के लिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं डेली ब्लॉग्स में करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ ट्रिप व्रिप सबका मैं ब्लॉग्स बनाता था, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी स्विच हो जाऊँगा डेली ब्लॉग्स में। डेली ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ मैं अपलोड करूँगा आप लोग के लिए, हो सके जितना हो सके अपने तरफ से मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग्स बनाने के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रस्तुत करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, आप लोग को किस तरह का वीडियोस चाहिए किस तरह का, आप लोग वो भी मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। रिएक्शन वीडियो, कंपैरिजन वीडियो, रिव्यू वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो, किसी तरह का भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, शर्माना नहीं एकदम पूरा फ्रैंक। अरे थार वाले भैया हाय क्यों रखे हैं, हो लो तो कीजिए, मतलब थार वाला सब आजकल ना पूरा एटीट्यूड में घूम रहा है। थार ले आए तो मतलब क्या, मतलब कुछ भी, तेल है कम हम लोग क्या करेंगे, तेल भराएंगे। अरे बाबा भैया 160 का दे दीजिए, खुला नहीं 500 का नंबर ही है, अब खुला है ही नहीं भैया आपके पास होगा। देख लीजिए हो जाएगा। एक सौ साठ अच्छा दे दीजिए 150 का ही तब। अच्छा ये पंप में नहीं आएगा क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम कि आप लोग नहीं ला रहे हैं? हाँ हाँ नहीं आएगा क्योंकि ये सब तेली BS6 तेल आ रहा है, इसी कारण से आप वही ना पाकुड़ में बहुत ही कम मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम, कहीं पे भी मिल नहीं मिलेगा। और रिलायंस में लीजिएगा तो 106 रुपया उस तेल का दाम उसका है, यहाँ पाकुड़ में मिलना ही है। वहाँ पे तो स्टार्ट किया ना हिरणपुर में, हिरणपुर में स्टार्ट कर दिया वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम। लेकिन अभी हम लोग का ये सब तेल आता है ना BS6 से तेल आता है पूरा फिल्टर वाला तेल, इसी कारण से और ये नहीं होता है क्योंकि हम लोग भी तो BS6 ही चला रहे तो माइलेज समझ में आता है, ज़्यादा रिफाइनमेंट भी रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम थोड़ा। क्या भैया बात नहीं कर रहा है, नाराज हो रहा है भाभी वाभी से कुछ सुला वुला नहीं हुआ है? बहुत दिक्कत था जिंदगी में, अरे खतरा चला कांचो नहीं माँ, अने 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 अरे 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 आराम से भैया, लगता है भैया जी पूरा फॉर्म है। अरे 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 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, लगता है ये भैया जी थोड़ा सा फॉर्म में है, इनको जल्दी से ओवरटेक करना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है। अरे बाबा वेरी मच प्रो राइडर। तो गाइस आज का ये छोटा सा ब्लॉग था आप लोग के लिए, उतना तो अच्छा से नहीं बन पाया आज का ब्लॉग, लेकिन फिर भी बना लिए आज का ब्लॉग आप लोग के लिए। तो गाइस सी यू इन अदर ब्लॉग, सोचे हैं कल हम लोग निकलेंगे फोटोशूट करने के लिए, तो कल का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, वैसे प्लानिंग की है कल सवेरे 6 बजे हम लोग निकलेंगे रील्स वगैरह फोटो वगैरह सब शूट करने के लिए, तो कल का ब्लॉग बनाएंगे जरूर देखिएगा। और आज का बहुत छोटा सा ब्लॉग था संडे राइड का, संडे इवनिंग राइड का। तो होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लोग पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, तब तक के लिए
जोहार और सब कोई को, बाय बाय, टेक केयर।